मुंबई में विपक्षी एकता की बैठक के बाद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूत्रों का कहना है कि बिहार में बहुत पहले ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर बातचीत हो चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव सीट शेयरिंग के मसले को सुलझाएंगे। महागठबंधन में शामिल दलों की सीट संख्या वे ही तय करेंगे। लालू प्रसाद यादव सभी जातीय समीकरण को देखते हुए बिहार में लोकसभा की सीटों का बंटवारा करेंगे। फिलहाल सियासी गलियारों से जो आंकड़े और चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के संपर्क में हैं। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर सीट को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। एनडीए में जिस तरह से चिराग ने अपनी पैठ बना रखी है, माना जा रहा है कि एनडीए में सीट बंटवारे के दौरान चिराग पासवान का ख्याल रखा जाएगा। चिराग अभी युवा हैं, उनकी पहुंच नौजवानों तक है, लेकिन पशुपति कुमार पारस में वो बात नहीं है, इसलिए एनडीए चिराग पासवान को तरजीह देगा। इसी बात से नाराज पशुपति पारस लालू और नीतीश के खेमे में आने की जुगत में लगे हुए हैं। कहा जा रहा है कि पशुपति पारस के साथ ही तीन सांसद विपक्षी गठबंधन में आएंगे, उसके बाद जेडीयू अपने कोटे से इन सांसदों को मैनेज करेगी। सूत्रों का कहना है कि साल के अंत तक बिहार में विपक्षी गठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का पूरा मामला सुलझा लिया जाएगा। लोजपा से जुड़े एक नेता का कहना है कि पशुपति कुमार पारस एक ही स्थिति में विपक्षी गठबंधन की ओर मूव कर सकते हैं। वो स्थिति होगी जब चिराग पासवान को हाजीपुर से टिकट देने का फैसला होगा, अन्यथा पशुपति पारस कहीं नहीं जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि एक दौरे की बातचीत नीतीश और लालू के प्रतिनिधि से पशुपति पारस की हो चुकी है। वो बहुत जल्द बिहार में नीतीश कुमार के साथ होंगे। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, इसमें जेडीयू 16 आरजेडी 16 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। दोनों दलों में इस बात को लेकर पहले ही स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। कुल मिलाकर 32 सीटों पर नीतीश और लालू की पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो बाकी बची सीटें सबसे ज्यादा कांग्रेस को देने का प्लान है। कांग्रेस को लालू यादव मात्र 4 सीट देना चाहते हैं। मामला यहीं पर अटक सकता है। कांग्रेस नेतृत्व में पूरी तरह से लालू यादव के ऊपर छोड़ दिया है कि वो कितनी सीटें देते हैं। सीटों के बंटवारे में चर्चा है कि कांग्रेस को 4 सीटें देने के बाद बाकी बची सीटों में सीपीआई और सीपीआईएमएल को एक एक सीट दी जाएगी। अभी यदि मुकेश साहनी विपक्षी गठबंधन में लौट कर आते हैं तो उन्हें एक सीट दी जाएगी। इतना ही नहीं, पप्पू यादव को भी देर सवेर विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा, उन्हें भी एक सीट देने की बात कही जा रही है। जेडीयू और आरजेडी टकराव की स्थिति में अपनी सीटों में से स्थिति को मैनेज करेंगे, अपनी सीटों में कोई कटौती नहीं करेंगे। उनकी ओर से संबंधित पार्टियों को सीट अलॉट की जाएगी। जानकारी के मुताबिक जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक जेडीयू को 16, आरजेडी को 16, कांग्रेस 5, सीपीआई 1, सीपीआईएमएल 1 और मुकेश साहनी को एक सीट दी जाएगी। कुल मिलाकर बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सारा मामला तय हो चुका है। इंतजार बस पशुपति कुमार पारस और मुकेश साहनी का है। पारसी पिता और ईसाई माता की संतान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मौसम में हिंदू बन जाते हैं। मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, आरती करते हैं। गरज ये कि उनका इरादा हिंदू वोट पाने का ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन उदय निधि मारन के सनातन धर्म विरोधी बयान के बाद कांग्रेस ने हिंदुत्व वाला अपना मुखौटा उतार फेंका है। कांग्रेस खुलकर उदयनिधि स्टालिन के समर्थन में आ गई है। तमिलनाडु कांग्रेस की महासचिव लक्ष्मी रामचंद्रन ने सनातनियों को जातिवादी और नफरत फैलाने वाला बता दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और सनातन आदि उत्तर भारत की उपज है, दक्षिण भारत के लोग शांति प्रिय है। एमके स्टालिन के बेटे राज्य सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया मच्छर की तरह खत्म करने की अपील की थी। सनातन धर्म के अपमान और समाज में हिंसा फैलाने की अपील के बाद दिल्ली में उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। कांग्रेस ने भी उदयनिधि स्टालिन की हां में हां मिलाते हुए सनातनियों को घृणा फैलाने वाला कहा। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के खिलाफ उत्तेजक, भड़काऊ और मान हानिकारक बयान के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें भारतीय दंड संहिता धारा 120, 153 ए, 295, 504 और आईटी एक्ट की धाराएं शामिल हैं। जब एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही तो उदयनिधि ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि वो धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने खुद को परियार कैलेगनार का अनुयायी बताते हुए कहा कि जो है उसे उन्होंने सामने रखा है, इससे उनकी सनातन धर्म को रोकने की भावना बिल्कुल कम नहीं होगी। दरअसल लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी यानी LRO नाम के एक एक्स हैंडल ने उदयनिधि पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। LRO हैंडल ने लिखा कि हम चर्चा के आदेश पर सनातन धर्म को बदनाम करने वाले गंदे मच्छरों को खत्म करने के लिए विभिन्न कानूनी उपाय तलाशेंगे।
आप सजा से बचेंगे नहीं, उदयनिधि स्टालिन। इस पोस्ट पर उदयनिधि ने बयान दिया। उदयनिधि के बयान का कांग्रेस ने भी समर्थन किया। तमिलनाडु कांग्रेस की महासचिव लक्ष्मी रामचंद्रन ने सनातनियों को जातिवादी और नफरत फैलाने वाला बता दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व और सनातन आदि उत्तर भारत की उपज है, दक्षिण भारत के लोग शांति प्रिय हैं। लक्ष्मी रामचंद्रन ने कहा कि नफरत फैलाने वाले सनातन जातिवादी हिंदुत्व का दूसरा नाम है, जिसकी उत्पत्ति उत्तर में हुई है। दक्षिण में हमारा हिंदू धर्म शांति प्रिय है और समावेशी होने का प्रयास करता है। रामानुजार वल्लालर और नारायण गुरु प्रकाश का हिंदू धर्म ही हमारा हिंदू धर्म है। उदयनिधि के बयान पर जारी बवाल के बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सनातन धर्म जातियों में विभाजन के लिए नियम के अलावा और कुछ नहीं है। इसकी वकालत करने वाले सभी अच्छे पुराने दिनों के लिए उत्सुक हैं। जाति भारत का अभिशाप है। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु की आम बोलचाल में सनातन धर्म का अर्थ जाति पदानुक्रमित समाज है। ऐसा क्यों है कि हर कोई जो सनातन धर्म की वकालत कर रहा है वह विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से आता है और इस पदानुक्रम का लाभार्थी है। किसी के खिलाफ नरसंहार का कोई आह्वान नहीं किया गया था, ये एक शरारती फिरकी है। उदयनिधि ने सनातन उन्मूलन सम्मेलन में 2 दिसंबर 2023 को बोलते हुए सनातन धर्म मिटाने की बात कही थी। सामने आए एक वीडियो क्लिप में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए सम्मेलन में मुझे बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। मैं सम्मेलन को सनातन धर्म का विरोध करने के बजाय सनातन धर्म को मिटाओ कहने के लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस छोड़िए, गांधी परिवार में हालात सामान्य नहीं हैं। कांग्रेस के इस सबसे बड़े परिवार में भाई बहन के बीच अब दरारें दिखने लगी हैं। वजह ये कि अब प्रियंका गांधी वाड्रा की महत्वाकांक्षाएं उछाल मार रही हैं और वे पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय होने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा कोई दूसरा नहीं बल्कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही हैं, जो नहीं चाहते कि पार्टी में राहुल गांधी के मुकाबले किसी का कद हो। यही वजह है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे नेताओं के खुले समर्थन रॉबर्ट वाड्रा की पैरवी के बावजूद सोनिया गांधी ने अब तक प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनाव तक लड़ने की इजाजत नहीं दी। प्रियंका गांधी वाड्रा का कांग्रेस में सिर्फ पोस्टल गर्ल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। गांधी परिवार में जारी इस सियासी उठापटक के बीच बीजेपी ने एक वीडियो जारी कर इस मामले को और हवा दे दी है। बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से एक वीडियो जारी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच दरार का दावा किया। इतना ही नहीं, भाजपा ने वीडियो संदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा को राहुल गांधी से अधिक बेहतर और काबिल करार दिया। इसके लिए उसने कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं के बयान का हवाला भी दिया। बीजेपी ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि एक आम भाई बहन जैसा दोनों का रिश्ता नहीं है। वीडियो में बीजेपी की तरफ से साफ साफ शब्दों में राहुल गांधी से बेहतर प्रियंका गांधी वाड्रा को बताया गया है। बीजेपी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि एक आम भाई बहन जैसा नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रिश्ता। प्रियंका राहुल से तेज हैं, पर राहुल के इशारे पर ही पार्टी नाच रही है। सोनिया गांधी भी पूरी तरह से राहुल के साथ हैं। घमंडिया गठबंधन की मीटिंग से प्रियंका का गायब होना यूं ही नहीं है। वीडियो में देखिए कैसे बहन का इस्तेमाल सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की अब तक की 3 बैठकें हो चुकी हैं, अभी तक एक भी बैठक में प्रियंका गांधी को नहीं देखा गया। इससे पहले बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर कर इसी तरह के आरोप लगाए थे। मालवीय ने कहा कि कांग्रेस समान अधिकार और महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन स्वयं गांधी परिवार में न तो महिला सशक्तिकरण है और न ही समान अधिकार। सब जानते हैं कि पुत्र मोह में सोनिया गांधी बार बार राहुल गांधी को लॉन्च करती रही हैं, लेकिन उन्होंने प्रियंका गांधी को चुनाव तक नहीं लड़ने दिया। कांग्रेस में प्रियंका गांधी सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पोस्टर गर्ल बनकर रह गई हैं। वीडियो में आगे कहा गया कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां कांग्रेस एक या दो सीटों से ज्यादा नहीं जीत पाती, यही कारण है कि प्रियंका गांधी का राजनीतिक करियर पार्टी कार्यालय से आगे नहीं बढ़ सका। प्रियंका गांधी को कभी चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि सोनिया गांधी को डर था कि वो अपने भाई से आगे निकल सकती हैं, वे संसद में राहुल गांधी का बेहतर विकल्प बन सकती हैं। यही वजह है कि माँ बेटे ने प्रियंका को चुनाव लड़ने से रोक दिया। रॉबर्ट वाड्रा को भी इसका एहसास हो गया और अब वह प्रियंका की उम्मीदवारी की वकालत कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की पार्टी सत्ता के लालच में टूटी और शरद पवार की पार्टी हर बार आत्मसमर्पण करने की वजह से मौके तो कई आए, लेकिन हर बार शरद पवार ने आत्मसमर्पण करके सीएम की कुर्सी छोड़ दी। इस वजह से अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने बिना नाम लिए शरद पवार पर करारा हमला किया।
प्रफुल्ल पटेल ने दावा किया था कि 2019 में महाविकास अघाड़ी की सरकार बन रही थी, तब राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी ने उद्धव ठाकरे से सीएम का पद साझा करने की मांग की थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद साझा करने की अपील को उन्होंने हल्के में लिया और कोई जवाब नहीं दिया। प्रफुल्ल पटेल के इस दावे पर उद्धव गुट की नेता सुषमा अंधारे ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी पार्टियां तोड़ दी हैं, वे अब अपने काम को सही ठहराने, अपनी स्थिति बचाने और अपने वर्तमान आकाओं को खुश करने के लिए कुछ भी कहेंगे। राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने आश्चर्य जताया कि अब ऐसे मुद्दों को उठाने का क्या मतलब है जिनके बारे में किसी ने नहीं सुना है। पटेल ने आगे दावा किया कि शिवसेना की 56 की तुलना में हमारे पास 54 सीटें थीं, इसलिए हमारी मांग जायज थी और हम 2 साल के सीएम पद के लिए भी तैयार थे, लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम पद के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे। पटेल ने कहा कि अगर उनके नेता सीएम बनते तो एनसीपी बहुत समृद्ध हो सकती थी, लेकिन पार्टी ने अतीत में हमेशा आत्मसमर्पण करके ऐसे अवसर खो दिए। एनसीपी के संस्थापक अध्यक्ष शरद पवार पर बिना नाम लिए परोक्ष हमला करते हुए पटेल ने कहा कि 2004 में भी एनसीपी ने सीएम पद का त्याग किया था, हालांकि उसके पास कांग्रेस 69 की तुलना में अधिक सीटें 71 थी। क्रेस्टो ने कहा, अब ये सवाल क्यों उछले, वे सरकार के साथ अपने रास्ते चले गए हैं, शिवसेना यूबीटी भी आगे बढ़ गई है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि पटेल एंड कंपनी को भविष्य में और अधिक मुखर होना चाहिए और अपने नए सहयोगियों से जो भी पद वे चाहते हैं मांगना चाहिए। इस बार उन्होंने आश्वासन दिया है, डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी किसी के सामने नहीं झुकेगी और राज्य में अगले साल होने वाले चुनावों के दौरान सभी जिलों में सीटों की मांग करेगी। अखिलेश यादव ने वैसे तो विपक्षी छतरी के नीचे सुरक्षित जगह खोज ली है, लेकिन उनके सामने शिवपाल यादव की मुश्किल अब तक खड़ी है। शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी में किनारे लगाए जाने के लिए वापसी नहीं की है, ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अखिलेश यादव अपने चाचा को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। ऐसे में शिवपाल यादव एक बार फिर अखिलेश यादव को फिरकी दे सकते हैं। इस बीच सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी कुछ ऐसा ही बयान दे दिया, जिससे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ना लाजिमी है। वैसे भी सपा से गठबंधन समाप्त होने के बाद ओबी राजभर अक्सर अखिलेश यादव पर हमलावर ही रहते हैं, लेकिन जब से उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा बनी तब से अखिलेश यादव के खिलाफ और ज्यादा मुखर हो गए हैं। सुभासपा चीफ ओपी राजभर ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अक्सर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा करते हुए कहा था कि वे जब चाहें सीएम योगी से फोन पर बात कर सकते हैं। ऐसे में सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर के इस बयान से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजभर ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 घंटे 12 मिनट के संबोधन के दौरान 27 बार शिवपाल यादव को कहा कि अभी इधर आ जाओ, वक्त बर्बाद मत करो, वरना बाद में पछताओगे। ऐसे में शिवपाल यादव ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि जल्द ही आऊंगा, इस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया। सुभासपा चीफ ने दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने इशारों ही इशारों में कहते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना में हुए विघटन की ही तरह घटना को उत्तर प्रदेश में दोहराए जाने की बात कही, जिसको लेकर यूपी राजनीति की सियासत गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। विपक्षी दलों की बैठक के तुरंत बाद कांग्रेस ने ये साफ साफ कहा था कि बंगाल, केरल और पंजाब जैसे कुछ राज्य हैं जहां गठबंधन के दलों के बीच ही हितों का टकराव है, इसलिए इन जगहों पर गठबंधन के लिए आम सहमति बन पाना मुश्किल है। कांग्रेस की ये बात आम आदमी पार्टी की समझ में अब आई तो पार्टी ने अलग सुर अलापना शुरू कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच एकता बन पाना काफी मुश्किल है, मतलब ये कि बैठकें चाहे 3 हो गई हों, साथ रहने में कस्में सबने खाई, कई बार खाई हों, लेकिन हकीकत ये है कि द्विपक्षीय एकता को अंजाम तक पहुंचाना काफी मुश्किलों से भरा हुआ है और कब इस एकता का घड़ा फूट जाए कहना मुश्किल है। इस वजह से कई राजनीतिक विश्लेषक इस बैठक को फ्लॉप बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के लिए एकजुट रहना आसान नहीं होगा, लेकिन
यदि वे ऐसा करने में कामयाब रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा हार जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि कई दल जो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं, आने वाले दिनों में विपक्ष के समूह में भी शामिल हो जाएंगे। भाजपा नेता जयवीर शेरगिल ने दावा किया कि विपक्षी ब्लॉक के घटक दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नफरत के कारण एक साथ आए हैं। ये कई मुद्दों पर इनके विचार अलग अलग हैं। भाजपा नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन टिकेगा नहीं। इसके जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विपक्षी गठबंधन में सभी दलों को बलिदान देना होगा। गठबंधन के लिए एक साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन यदि वाकई विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं तो मोदी जी वापस नहीं आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इन सब के बीच राजद नेता मनोज झा ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के बीच भले ही कई मतभेद हों, लेकिन बुनियादी मुद्दों पर इनके बीच सहमति है। मतभेद हैं, इसलिए तो हम अलग अलग पार्टियां हैं, अन्यथा हम एक पार्टी बन गए होते, लेकिन हम बुनियादी मुद्दों पर सहमत हैं। उन्होंने एक साथ चुनाव के मुद्दे पर रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति में शामिल नहीं होने के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि 1967 तक हमारे यहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव था, उसके बाद क्या बदलाव आया, क्षेत्रीय पार्टियां आईं और हर तरफ बिखराव हो गया। क्या आप आज कह सकते हैं कि हमारे पास एक राष्ट्र एक चुनाव है और कल विधानसभाएं भंग नहीं होंगी या खंडित जनादेश नहीं आएगा? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कई मोर्चे पर अपनी विफलता को छिपाने के लिए एक दिखावा लेकर आई है, समिति को ही देख लीजिए। उन्होंने पहले ही अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और उस पर कुछ हस्ताक्षर चाहते हैं। अलायंस की मुंबई में हुई बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये देश के केवल 25 से 26 दलों का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है। देश के लोग बहुत बड़ी संख्या में 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीट बंटवारे पर सबसे पहले आम सहमति बनाए जाने पर भी जोर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया से करके हंगामा खड़ा कर दिया। उसके बाद बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्षी गठबंधन में शामिल कई दलों ने इस बयान का जमकर विरोध किया, लेकिन कांग्रेस ने विरोध करने की जगह इस बयान से खुद को अलग कर लिया। मतलब कि कांग्रेस किनारे से खड़ी होकर इस विवाद का मजा लूटेगी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय के विचार के खिलाफ है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों से की, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने इसकी तीखी आलोचना की, साथ ही विपक्षी गठबंधन को भी घेरा। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू की तरह है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए, न कि इसका विरोध किया जाना चाहिए। स्टालिन के बेटे के बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। कई यूजर्स ने तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। उन्होंने अमित मालवीय के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों के नरसंहार का आह्वान नहीं किया। सनातन धर्म एक सिद्धांत है जो लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटता है। सनातन धर्म को उखाड़ फेंकना मानवता और मानव समानता को कायम रखना है। मैं अपने कहे हर शब्द पर दृढ़ता से कायम हूं। मैंने उत्पीड़ितों को हाशिए पर पड़े लोगों की ओर से बोला जो सनातन धर्म के कारण पीड़ित हैं। उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म की तुलना मच्छरों, डेंगू, मलेरिया और कोरोना से करने वाली टिप्पणी पर बीजेपी के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई ने उन पर आरोप लगाया कि ये ईसाई मिशनरियों से उधार लिया हुआ विचार का प्रचार करना है। शनिवार को चेन्नई में एक सम्मेलन में तमिलनाडु सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्री ने उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि कुछ चीजों का विरोध नहीं किया जा सकता है, उन्हें केवल खत्म किया जाना चाहिए। हम डेंगू, मच्छरों, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें मिटाना है। उसी तरह हमें सनातन धर्म को मिटाना है। सनातन का केवल विरोध करने के बजाय इसे खत्म करना चाहिए। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर तीखा जवाब देते हुए नमलाई ने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किया कि गोपालपुरम परिवार का एकमात्र संकल्प राज्य की जीडीपी से भी ज्यादा संपत्ति जमा करना है। उदयनिधि स्टालिन, आपके पिता या आपका विचार ईसाई मिशनरियों से उधार लिया हुआ विचार है। उन मिशनरियों का लक्ष्य अपनी विचारधारा को दोहराने के लिए आपके जैसे लोगों को विकसित करना था। तमिलनाडु आध्यात्म की भूमि है। सबसे अच्छी तरह जो आप कर सकते हैं वह इस तरह के कार्यक्रम में माइक पकड़ना और अपनी निराशा जताना।
इससे पहले बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उदयनिधि स्टालिन के बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि डीएमके के मंत्री भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान कर रहे थे। मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से जोड़ा। उनका मानना है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए, न केवल इसका विरोध किया जाना चाहिए। उदयनिधि की टिप्पणी को मुंबई में विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक से जोड़ते हुए मालवीय ने कहा कि विपक्षी गुट के साझेदारों को ये साफ करना चाहिए कि क्या यही वो मुद्दा था जिस पर वे बैठक में सहमत हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।